हेलो दोस्तों, आज हम लोग निकल गए हैं। आज बठिंडा फॉल अभी हम लोग जो ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो पकड़ जो बोलता है। तो ये आप रास्ता देख सकते हैं, कॉल वाली एरिया साइड पर साइड आप भी देख सकते हैं। पहला कलम साइड या साइड हो गए तो हम लोग अभी ऑटो से ही बना रहे हैं। थोड़ी देर में लगे थे भतिंडा फॉल से 3 किलोमीटर आगे ही छोड़ देती है, और भतिंडा फॉल जाने के लिए वहाँ पे 500 रुपये का डिमांड कर रहा था। तो हम लोग पैदल ही 3.7 किलोमीटर की यात्रा तय किया। तो हम लोग देखिए हंसते खुलते हुए जा रहे हैं भतिंडा फॉल की तरफ। वो काफ़ी थोड़ी दूर थी, लेकिन प्राइस थोड़ी ज़्यादा मांग रही थी और हम लोग का बजट था नहीं, और हम लोग ट्राई किए पैदल ही जाने का। पैदल गए और पैदल आए भी। तो आप देख सकते हैं भतिंडा फॉल कितना खूबसूरत और अनोखा दिख रहा है। यहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है। एक कटारी रिवर है जो पारसनाथ से और यूनिट होके वहाँ से चलते हुए आती है मोनी डीप को। तो ये अब रिवर और साइड में एक दामोदर रिवर है, वहाँ से भी जाती है। और दोनों जो पर कटारी रिवर का निर्माण वो दामोदर रिवर से भी जाती है। तो ये दो वाटरफॉल दो नदियों का संगम यहाँ पे ही है बिल्कुल। और ये देख सकते हैं कितना अनोखा दृश्य है, और मैंने ये स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया है कि आपको दिखा पाऊँ कि कितना अच्छा और अद्भुत और कितना बेहतर लुक दिख रहा है जब आप बारिश के मौसम में जाते हैं इस जगह पे। तो आनंद काफ़ी ले सकते हैं। ये थोड़ी सी स्लिपरी एरिया की ज़्यादा है, और 12 डिग्री के इंक्लाइन में ये पानी बहती रहती है। तो कभी भी इनके पास मत जाएं, क्योंकि काफ़ी अलगे थोड़ा ज़्यादा हो जाती है किनारे किनारे, और स्लिपरी थोड़ी ज़्यादा है। तो सामने ना जाएं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि बारिश में और थोड़ी पानी बढ़ जाती है। और काफ़ी अनोखा रहता है यहाँ पे। आप जाएंगे तो आपको ठंडा ठंडा हवा का एहसास होगा, और छोटी छोटी बूंदें आपके चेहरे पे लगेंगे तो और बेहतर और अनोखा अद्भुत आनंद आएगा। ये जगह ज़्यादातर ठंडी के समय में लोग जाते जाते हैं, यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, और अच्छा लगता है क्योंकि उस समय ज़्यादा ही भीड़ रहती है। इधर आने जाने के यदि आप रेलवे स्टेशन से जाते हैं तो आपका 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, जो आपको डायरेक्ट भतिंडा फॉल के पास ही आ जाएगा। यहाँ से वेस्ट बंगाल का बॉर्डर ही नज़दीक में है, तो वेस्ट बंगाल काफ़ी नज़दीक में पड़ती है यहाँ से। तो आप यदि अपने बाइक से आ रहे हैं तो डायरेक्ट आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप ऑटो से आ रहे हैं तो ऑटो से आपको भतिंडा फॉल के लिए आपको पहले रेलवे स्टेशन से आपको इधर आना पड़ेगा उसकी साइड में, फिर वहाँ से फिर आपको ऑटो पकड़ के फिर वो कुछ आधा दूर मुंडी के पास में छोड़ देंगे। फिर वहाँ से आपको गाड़ी जल्दी मिलती नहीं है, जहाँ तक आपको रिजर्व करना पड़ेगा। और यहाँ थोड़ा मनमानी भी चलता है और पैसे भी काफ़ी हाई मांगते हैं। तो थोड़ा सा जब रास्ते में जाएंगे तो थोड़ा सा सुनसान रहता है, लेकिन 4-5 लोग हैं यदि आप पैदल जा सकते तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 4 किलोमीटर के लमसम में है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है और तक कोई दिक्कत भी नहीं है। यदि बाइक है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रोड बना हुआ है काफ़ी अच्छा से, और वहाँ पे बाइक रखने का भी जगह है। तो आप जब यहाँ बैठेंगे तो आपको एक अनोखा दृश्य दिखेगा, देखिए कैसे पानी एकदम बह रही है और कितना आनंद आ रहा है। मैंने इसे थोड़ी स्लो मोशन में कैप्चर किया, और इसके पास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना पानी नज़दीकी से बहा जा रही है। और थोड़ी सी एक अनुरोध करूंगा, जो भी आप वहाँ जाते हैं कुछ भी खाते पीते हैं तो प्लास्टिकें ना फेंकें, और वहाँ पर डस्टबिन भी है काफ़ी सारे, तो डस्टबिन में फेंकें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक तो डिकम्पोज भी नहीं होती है, एक यदि वो बह जाती है तो फिर उसको ये फिर से साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं कितना अनोखा है, वाटरफॉल है, चारों साइड से पानी बह रही है। और ये कटारी रिवर का पानी है जो पारसनाथ हिल से आ रही है, और ये जाके दामोदर नदी में मिल जाएगी, जो आप देख ही सकते हैं, जो सौरव बंगाल है। और ये थोड़ा, ये जो वाटरफॉल है, इसके आसपास पूरा रॉक टाइप का पहाड़ बना, रॉक है, रॉक रॉक है, जिसके कारण पानी का बहाव थोड़ा तेज रहता है, और थोड़ा सा इंक्लाइंड भी है, और रिवर का थोड़ा फ्लो ज़्यादा रहती है, पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा रहती है, और थोड़ा सा ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो आप पानी का बहाव देख सकते हैं, थोड़ी सी तेज हो जाती है। इसका आप देख सकते हैं, आप देखिए इसका आनंद थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे आपको सब चीज़ खाने पीने का बिल्कुल मिल जाता है, वहाँ दुकान भी है, और कोई इतनी खास दूर भी नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, स्टेशन से भी काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पे बारिश के समय ही आपको एक अनोखा दृश्य मिलेगा कि आप यहाँ आएँ और इस चीज़ों का आनंद लें, तो बढ़िया रहेगा। आप पानी की आवाज़ सुन सकते हैं, कितना अनोखा और कितना शांत वातावरण है, जो आपको और आनंद और प्रफुल्लित कर देगा इस आवाज़ को सुन के। यदि आप कोई डिस्टर्ब माइंड से आ रहे हैं, कोई अलग अंदाज से आ रहे हैं, कोई डिस्टर्ब है, कोई परेशानी रहती है, तो आप यहाँ आराम से आएँ। और लगभग शाम के समय आएँ, 3-4 के लगभग सही रहेगा, 5-6 के लगभग आप यहाँ से रिटर्न हो जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 5 के लगभग बंद हो जाती है। यदि अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, फोर व्हीलर से, तो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हो अंधेरे से पहले, आपको शाम ढलने से पहले आपको रिटर्न हो जाना बेहतर रहेगा। और ये देख सकते हैं कितना इंक्लाइंड में पानी एकदम हाई स्पीड फ्लो से बह रही है। अब देखते साइड बाय साइड कितना वो ग्रीनरी अलग है, जिसके कारण कोई नज़दीक जाते नहीं है, ये काफ़ी स्लिपरी है और पानी का बहाव थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ है। यदि आप नज़दीक जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी लेना ज़रूरी है। और यहाँ पर गांव वाले लोग भी रहते हैं काफ़ी सारे, जो नहाते हैं, स्नान करते हैं और मछली वगैरह पकड़ते हैं। एक स्कॉट टीम रहती है जो ये सब नियंत्रित करके देखते हैं कि कोई नज़दीक ना जाए, उसको आदेश देते हैं, तो वो बेहतर है कि एटलीस्ट कोई ना कोई है यहाँ पे जो देखभाल के लिए लगे हुए हैं और सहायता के लिए लगे हुए हैं, जो हम लोग की सहायता के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं और तैराक भी रहते हैं कि। लेकिन इस सब कंडीशन में अपना भी थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए कि जो भी चीज़ें थोड़ी सी देखभाल करके करनी चाहिए, और उसको कॉन्सिक्वेंसेस देख के आगे मूव करना चाहिए, और फोटोबाजी के चक्कर में सामने ना जाए, और ज़्यादा ही दिक्कत हो सकती है। आप देख सकते हैं बीच बीच में गैप है काफ़ी सारे, तो क्या होता है कि स्लिप होने पे आदमी अंदर थोड़ा सा चल जाता है स्लिप होकर, और ज़्यादा इशू होती है इस सब एरिया में। और इसका लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप, टॉप अच्छा दिख रहा है, पानी क्या ऊपर से बह रहा है। आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब साइड में कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, पार्क वार्क का निर्माण हो रहा है, तो हम लोग पार्क की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप, सामने में पार्क बन रहा है, लेकिन अभी भी काम चले जा रहे हैं, तो क्योंकि पर्यटनों का और आना जाना और बेहतर हो, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ एक बुद्धा पार्क है आगे में, और ये अम्बेडकर पार्क भी है, और ये सब बन रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन में है, थोड़ा सा काम वाम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी दूर आया है इस साइड में, जहाँ पानी बहाव हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से कितना दूरी पे है, यहाँ पे पानी का देखिए बहाव जो है ज़्यादा है, चट्टानों से टकरा रही है, और स्पीड देखिए पानी का काफ़ी ज़्यादा है, और बहाव अब मैंने ये स्लो मोशन में कैप्चर किया है, तो आप देख सकते हैं इसको, एक बार आप इसको आनंद लें। देख रहे हैं कितना
प्यारा सा दिख रहा है, कितना अनोखा है, कितना स्लो में वाटर मूव कर रही है और कितना स्पीड है और कितना इंक्लाइंड में भी है। तो जो बहाव है थोड़ा सा लॉ ऑफ इंडेशा को फॉलो करते हुए स्पीड में जा रही है, जो टर्निंग पॉइंट में फिर सीधा फ्लो जा रही है। ये थोड़ी सी ज़्यादा ही ढलाव है, ये लगभग 15 से 30 एंगल में इंक्लाइंड है और पत्थर भी देख सकते हैं क्या टेक्सचर है, क्या व्यू है। तो इस सब का नज़ारा देखना, यहाँ पे उतना भीड़ नहीं था क्योंकि यहाँ के गांव वाले लोग एक से बैठे हुए थे जो मछली पकड़ रहे थे और कुछ कुछ नहाने के लिए आए थे। तो हम भी यहाँ बैठ गए थे और थोड़ा सा इस चीज़ों का आनंद ले रहे थे बैठ के, और इस जो कैप्चर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे बैठ के मैंने कैप्चर किया कि आप लोगों को ये दृश्य दिखा सकूँ जो आप नहीं जानते हैं। तो आप आके यहाँ पर अनुभूति कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, प्रफुल्लित हो सकते हैं। तो इसका आप आवाज़ सुन सकते हैं कितना अनोखा दिख रहा है, सुन रहे हैं। सुन सकते हैं कितना अनोखा आवाज़ है, कितना प्यारा प्यारा साउंड है जो आपको कभी फील कर सकता है। आप जब भी कोई भी नेचर की सहायता ले, कभी भी आपको कुछ परेशानी हो तब उसके पास आएँ और बैठें, आपको अलग ही अनुभूति होगी और अलग ही आपको जो भी परेशानी है वो अपने आप दूर हो जाती है। यहाँ देखिए जो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और क्योंकि 3.7 किलोमीटर फिर वापस मुझे जाना है ऑटो पकड़ने के लिए। तो मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, आप इसे सब्सक्राइब करें और आनंद ले और ट्राई कीजिए इस जगह को जाने के लिए। धन्यवाद।